अक्षय कुमार का बड़ा खुलासा, बताया किस वजह से ली थी कनाडा की नागरिकता। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज़ गुड न्यूज के चलते सुर्खियों में हैं। इस फिल्म अक्षय कुमार के साथ साथ करीना कपूर खान पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोजांस, दिलजीत दास एंजो और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आएंगी। हाल ही में दिल्ली के एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार और करीना कपूर खान साथ में पहुंचे। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर बात की। इवेंट के दौरान अक्षय कुमार से उनके कैनेडियन सिटीजन पर भी सवाल किया गया। अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी सिटीजनशिप को लेकर भी सवाल किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अक्षय कुमार ने कहा, जब मेरी काफी फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो एक कनाडा के दोस्त ने कहा कि तू यहाँ पर आ जा। मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया। उसके बाद मुझे कनाडा का पासपोर्ट मिला। उसके बाद मेरी 15वीं फिल्म चल गई और फिर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उस पासपोर्ट को बदलूं। मुझे दुख होता है कि मुझे ये प्रूव करने के लिए एक कॉपी दिखानी होगी, लेकिन अब मैंने अप्लाई कर दिया है और जल्द ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पिछले दिनों भी अक्षय कुमार अपनी नागरिकता के चलते ट्रोल हुए हैं, हालांकि बाद में उन्होंने ट्विटर पर सभी को साफ भी किया था। अक्षय कुमार ने लिखा था कि वे पिछले कई सालों से कनाडा नहीं गए हैं और अपने सारे टैक्स भारत में ही जमा करते हैं।